हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम को देखते हुए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जिससे कि क्वेश्चन हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर एचटेट एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी जो एग्ज़ाम दोस्तों उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, खासकर जो सीईटी एग्ज़ाम टारगेट है उसके लिए लगातार आपके लिए दोस्तों मैं क्लास पे क्लास लेकर आ रहा हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों जो टॉपिक है वो अभी भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल जो बांध है दोस्तों, जो डैम है उसके बारे में हम जो है जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो ना हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में। अगर पूछ ले जो भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों, भाखड़ा और नांगल दोस्तों अलग अलग परियोजनाएं हैं, अलग अलग बांध थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो भाखड़ा नांगल अगर आपसे इकट्ठा पूछ ले तो दोस्तों ये बांध अभी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में, जी हाँ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में रहेगा। पूछ ले किस नदी पर बनाया गया है तो सतलुज नदी पर बनाया गया। अब ये सतलुज नदी का जिक्र आता है तो दोस्तों ये सिपकिला दर्रे से जो ना भारत में प्रवेश करती है, ये निकलती है दोस्तों मानसरोवर झील के नज़दीक से, मानसरोवर झील के नज़दीक से निकलती है और सिपकिला दर्रे के द्वारा भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में इस पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनी है। ये परियोजना जो है दोस्तों ये बांध जो है 856 फीट ऊँचा है, 856 फीट ऊँचा है। और टिहरी बांध, टिहरी भारत का दोस्तों दूसरा सबसे वो दोस्तों भारत का टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों, ये टिहरी बांध की अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूँ दोस्तों 740 फीट है, जबकि जो भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों इसकी ऊंचाई जो 856 फीट। यानी कि भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों जो है एक गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटेशनल दोस्तों जो है ना डैम है, और जो 856 फीट ऊंचा है, जबकि जो टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है उसकी ऊंचाई है दोस्तों 740 फीट। टिहरी की बात करता हूं तो दोस्तों टिहरी है भागीरथी नदी पर, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा के संगम से जो ना गंगा नदी बनती है, ऐसे ही भाखड़ा नांगल रहेगा सतलुज नदी पर। उसके बाद आगे बात करता हूँ दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना कितने राज्यों में फैली है। तो ये भाखड़ा नांगल जो परियोजना दोस्तों जो लगाई गई थी, ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, क्योंकि इन तीन राज्यों ने दोस्तों मिलकर यह परियोजना लगाई थी पानी के लिए। देखिए पंजाब में पानी की जो ना सप्लाई ज़्यादा होती है, हिमाचल प्रदेश में तो पानी वैसे ही रहता है जब परियोजना लगाई गई है तो वहाँ पे, और राजस्थान में दोस्तों इसमें से जो ना नहरें स्पेशल भेजी गई है, जिसमें इंदिरा गांधी नहर की बात कर लूँ और भी बड़ी बड़ी नहर जो ना दोस्तों राजस्थान तक पहुँच इसमें ती हैं, जिसमें हरियाणा का भी अहम रोल रहता है। हरियाणा के रास्ते ही दोस्तों ये राजस्थान में पहुँचती हैं और पंजाब से भी जाती हैं। तो इंदिरा गांधी नहर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नहर इसमें रहेगी जो भाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई है। तो इन तीन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है भाई। उसके बाद इस बांध का निर्माण दोस्तों, जो ये भाखड़ा नांगल बांध है इस बांध का निर्माण अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकम, तो अमेरिका के थे ये बांध निर्माता हार्वे स्लोकम के निर्देशन में अक्टूबर 1963 में पूर्ण हुआ था। जो अक्टूबर 1963 में दोस्तों इस बांध की जो ना जो पूरी ये मतलब जो बनाने का कार्य था दोस्तों पूरा हो गया था। और कहा जाता है दोस्तों कि इस बांध में इतना मटेरियल लगाया गया है जो एक गुरुत्वीय बांध है, जिससे पूरे भारत की सड़कें बनाई जा सकती हैं दोबारा से। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना इसमें मटेरियल लगाया गया है, जैसे सीमेंट वगैरह, डस्ट वगैरह, रोड़ी वगैरह, जो भी अपना मटेरियल दोस्तों इतना मटेरियल लगाया गया है कि भी इससे पूरे भारत में जो है ना दोबारा से सड़कें बन सकती हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बांध होगा, कितना जो है ना कंक्रीट इसमें लगा है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों इसकी सहायक नदी इंदिरा सागर परियोजना, मैंने आपको बताया इसकी सहायक है इंदिरा सागर परियोजना भाखड़ा नांगल डैम की। इसके अंतर्गत दोस्तों राजस्थान तक इंदिरा नहर का विकास किया गया, अभी मैंने बताया इंदिरा गांधी नहर जो दोस्तों इसी से निकाली गई है, जिसके जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। अगर भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली पूछ ले तो इंदिरा गांधी नहर रहेगी, जो इंदिरा सागर परियोजना जो कि दोस्तों आपकी जो ये भाखड़ा नांगल बांध की जो है सहायक परियोजना है, इससे जो ना इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। अगर इंदिरा गांधी सागर परियोजना आपको ऑप्शन में न दे, क्वेश्चन पूछ ले इंदिरा नहर कहाँ से निकाली गई है, भाखड़ा नांगल आपको ऑप्शन में दे, तो दोस्तों ये आपका रहेगा भाखड़ा नांगल डैम से ये निकाली गई है। भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली। राजस्थान में सिंचाई पूछ लेगा कि इस नदी के द्वारा नहर के द्वारा होती है, तो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राजस्थान में सिंचाई होती है। उसके बाद दोस्तों जो ये बांध बनाया गया है इससे भी बिजली भी पैदा होती है, क्योंकि बिजली भी बनाई जाती है। बांध बनाया गया तो इस बांध से 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जी हाँ दोस्तों, जो ये बांध है अभी भाखड़ा नांगल डैम, इससे 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है,
जिससे पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बिजली की आपूर्ति होती है। तो दोस्तों देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, यानी जो ये बांध दोस्तों पांच राज्यों को बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराता है। 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये करता है। तो दोस्तों ये भाखड़ा नांगल बांध से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सीईटी एग्जाम में नहीं तो दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन सीईटी में यहाँ से मुझे उम्मीद है कि भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 4-5 शिफ्टों में है दोस्तों, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनने की संभावना जरूर है। हरियाणा से रिलेटेड भी ये है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।